नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश चंचल। मैं हूं आपके साथ महेश जैन। हमारी खबरें लगातार पाने के लिए आज ही YouTube से सब्सक्राइब करें और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश चंचल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नीमच जिले के जावद तहसील से, जहां दयावद तहसील के उमेदपुरा ग्राम पंचायत के सचिव को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त उज्जैन डीएसपी शैलेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकायुक्त टीम को शिकायत मिली थी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के एवज में उमेदपुरा सचिव मोहन नाथ योगी 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर लोकायुक्त टीम नीमच जिले के जावद पहुंची और जावद जनपद पंचायत के सामने तय स्थान पर सचिव ने शिकायतकर्ता से रिश्वत ली, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने उमेदपुरा पंचायत सचिव मोहन नाथ योगी को 10,000 रुपए सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मोहन नाथ योगी क्या हुआ आप? मेरे जेब में। अरे आप क्या हो? मैं पंचायत सचिव। पंचायत सचिव कौन से पंचायत के? उमेदपुरा के। हमारे पास में उज्जैन लोकायुक्त में आवेदक हारून ने एक आवेदन दिया कि उसने जो रुक सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी है, वह जानकारी मोहन दास जो पंचायत सचिव है उमेदपुरा में, वह उस जानकारी को पूरी नहीं दे रहे हैं और पूरी जानकारी के पैसे मांग रहे हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने आज कार्रवाई करते हुए इनको 10,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया।